नमस्कार। आज इस लेसन में आप संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आज इस लेसन के माध्यम से जो सीजीएल में जेएसएससी में जो पूछे जाएंगे संज्ञा का जो एक मास का, वो आपको हम इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है, ये सब हम आप आज इस लेसन में आप लोगों को सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है आप संज्ञा का परिभाषा को जान लेते हैं। परिभाषा परिभाषा क्या है, किसी वस्तु, स्थान, या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, पटना, बुढ़ापा, आदि जो है, दूसरे शब्दों में हम इसको यदि कहेंगे, नाम ही संज्ञा है। हम जिस वस्तु को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन एक ही है जो एब्स्ट्रैक्ट नाम के, जैसे बुढ़ापा है, ये सबको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन यह फिर भी है जो है, क्या है, यह संज्ञा है। तो अब हम समझ गए, आप समझ चुके हैं कि ये जो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, पटना, बुढ़ापा इत्यादि। हम लोग जो है पुराने जमाने में संज्ञा को 5 प्रकार उसका होता था, लेकिन अब जो है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो है संज्ञा को 3 ही प्रकार का पढ़ते हैं। आजकल जो न्यू ग्रामर के अनुसार में संज्ञा का कितना भेद पढ़ते हैं, 3 प्रकार का भेद को हम लोग पढ़ते हैं। वो कौन सा है, तो चलिए हम लोग संज्ञा का जो 3 भेद है और कौन सा भेद नहीं पढ़ते हैं, ये भी हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला जो है संज्ञा का 3 भेद में से पहला है संज्ञा के कितना भेद, 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है 3 भेद? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी वस्तु, स्थान, किसी वस्तु, व्यक्ति स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वाचक संज्ञा कहते हैं कहते हैं जैसे आगरा,
खिलौना है, कला है, राम आदि। ये जो हो गया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी वस्तु स्थान व्यक्ति स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें जो है दूसरा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा जो है यह जो है दूसरा संज्ञा का जो प्रकार है वह है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जो प्रकार है जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, इसका जो परिभाषा है, जिस शब्द से किसी जाति या समूह का बोध हो, जिस शब्द से किसी जाति या समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, वाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे मनुष्य, पर्वत, पशु, नदी, देश, इस प्रकार का ये क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी जाति या समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य, पर्वत, पशु, नदी, देश इत्यादि जो है क्या है यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग देश, मनुष्य, पर्वत, इससे क्या होता है, मनुष्य मतलब पूरा मनुष्य जाति का बोध हो गया, पर्वत मतलब पर्वत पूरा जाति का पर्वत का हो गया, पशु मतलब जितने सारे हमारे संसार में पशु है वो सब सारे पशु हो गया, नदी जितने नदी है, और देश सारा देश का यह एक जाति या जो पूरा ग्रुप को यह संबोधित करता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जो तीसरा जो है वह है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति का गुण, भाव का बोध हो, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक
संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, ऋष्या, घृणा, प्रशंसा, यह जो है आप पढ़ चुके हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और यह जो अंतिम है भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति का गुण भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, ऋष्या, घृणा, प्रशंसा। अब हम आपको बताए थे कि पुराने जमाने में जो है दो नहीं पढ़ते हैं, वह जो है कौन सा है यह हम आप लोग को अभी हम बताने जा रहे हैं। पुराने हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं संज्ञा का पांच भेद, ठीक है, तीन भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। और मॉडर्न में आपको बताया गया कि मॉडर्न के जमाना के अनुसार में जो है संज्ञा का तीन भेद के ही रूप में पढ़ते हैं, लेकिन हम पुराने जमाने के अनुसार में जो है पुराने नियम के अनुसार नियम से जो संज्ञा का कितना भेद होता है, पांच भेद का पांच प्रकार, ठीक है। हम लोग तीन तो पढ़ लिए थे, दो नहीं पढ़े, दो जो पुराना प्रकार जो है उसमें से कौन सा दो नहीं होता है, तो एक होता है समूहवाचक। जातिवाचक में समूहवाचक को जोड़ दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है पुराने नियम के अनुसार में जो है समूहवाचक जो है अलग से पढ़ा जाता है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और दूसरा हो गया है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जाति समूह का बोध हो, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, सेना का जत्था हो गया, इस प्रकार सा जो समूह में रहता है, जैसे भेड़ का ग्रुप, क्राउड, भीड़, ये सब जो समूह में जो रहता है उसे समूहवाचक संज्ञा को कहा जाता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है जो वह वस्तु जो हम लोग नापना और तोलने के रूप में कर प्रयोग करते हैं वह जो क्या हो गया, हम द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये इसमें हो जाएगा आपका सभा, भीड़, ठीक है, ये आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा में। और दूसरा जो होता है जैसे आपका दूध, ठीक है, तेल, लोहा, ठीक है, सोना चांदी, ये जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। तो आप हम लोग जो है यह दो जो देख रहे हैं आप समूहवाचक द्रव्यवाचक, इसको जो है आपका जो है जातिवाचक संज्ञा में मिला के दोनों को मिला दिया है, इसीलिए जो हम लोग ये नया जो ग्रामर के अनुसार में जो हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा को, तो संज्ञा हम लोग तीन ही प्रकार के पढ़ते हैं, जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, ये तीन ही प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन पुराना जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे इसको भी हम जो है हम आपको बता दिए कि ये पांच प्रकार का होता है, ये दोनों जो है उसमें समाहित किया हुआ है, इसीलिए जो हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। इस क्लास में आज इतना ही, अब हम लोग जो है दूसरा क्लास में दूसरा चीज को पढ़ेंगे, हिंदी का जो है जो जितने सारे जो स्टूडेंट हैं अपना जो जेटेट का जो सॉरी जेएसएससी का जो फॉर्म है वह आप डाल दें जल्दी से, जो नहीं डाले हैं वह डाल दें, और जो डाल चुके हैं बहुत अच्छी बात है। हम हिंदी कंप्लीट कराने के बाद अब हम आप नया दूसरा चैप्टर इंग्लिश हम करा चुके हैं, और हिंदी अब हम कराने जा रहे हैं, बहुत दूर तक हो चुका है, कुछ कुछ जो चैप्टर बाकी है वो हम कराने जा रहे हैं। आपका जो हिंदी और इंग्लिश जो है पहला गेट है, ये गेट आपको पास करना पड़ना पड़ता है, तभी जाकर आपका दूसरा पेपर जो है जांच होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।